हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोर्स रिलेटेड 135 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप पीएचपी फाइल सिस्टम के फंक्शन सीखने वाले हैं। इससे पिछली वीडियो में भी हमने कुछ फंक्शंस कवर किए थे फाइल सिस्टम से रिलेटेड और हमने देखा था कि हम कैसे फाइल को रीड कर सकते हैं या फोल्डर को क्रिएट या डिलीट कर सकते हैं या फाइल को कॉपी या रीनेम कर सकते हैं। इस वीडियो में भी हम कुछ इसी तरीके के फंक्शंस देखने वाले हैं फाइल को रीड करने के और फाइल को क्रिएट करने के। तो ये पहले मैं आपको एक लिस्ट दिखा देता हूं जो हम इस वीडियो में फंक्शंस कवर करने वाले हैं। ये देखिए, ये लिस्ट है उन फंक्शंस की जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम फाइल को रीड कर सकते हैं, जो कि हमने अपने पिछली वीडियो में भी सीखा था, मगर ये उसका एडवांस वर्जन है। और फाइल को रीड करने के हमारे पास यहाँ पर और अलग अलग तरीके की भी फंक्शंस है जिसको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। उसके बाद जो हम स्पेशली इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि हम फाइल के अंदर राइट कैसे कर सकते हैं। फाइल के अंदर राइट करने के भी हमारे पास यहाँ पे पीएचपी के अंदर बहुत अलग अलग तरीके होते हैं जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि हम इन सारे फंक्शंस को कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए, वेब एडिटर के अंदर मैंने अपना वही फोल्डर ओपन कर लिया है जो कि हमने अपने पिछली वीडियो में भी कवर किया था, php-file-system। और इसके अंदर यहाँ पर हमने वही फाइल ओपन की हुई है, myfile.php। इसी के साथ हमने यहाँ पर एक टेक्स्ट फाइल भी बनाई है, readme.txt, यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। यहाँ पे हम सबसे पहले फाइल को रीड करना सीखेंगे। जैसा कि हमने अपने पिछली वीडियो में देखा था कि हम जब भी फाइल को रीड कर रहे थे तो हम फंक्शन यूज कर रहे थे रीड फाइल, जो एक ही बारी के अंदर सारा डाटा ले आता था रीड करके, मगर यहाँ पर हम उसका एडवांस वर्जन सीखने वाले हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हमें उस फाइल को ओपन करना होगा। तो उसके लिए यहाँ पे फंक्शन है fopen। देने के बाद यहाँ पे हमारे पास दो पैरामीटर्स आते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है फाइल का नेम और उसके बाद होता है उसका मोड। तो हमारा जो फाइल का नेम है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, readme.txt। उसके बाद यहाँ पे हमें सेकंड पैरामीटर जो देना होता है वो होता है मोड, मतलब कि जो मैं फाइल ओपन करने जा रहा हूँ वो किस मोड में ओपन करने जा रहा हूँ, रीड मोड में या राइट मोड में। तो अभी मैं यहाँ पर फाइल को जो रीड कर रहा हूँ उसके लिए मैं यहाँ पर जो पैरामीटर देने वाला हूँ उसको हम कहते हैं आर। आर एक मोड है जिससे हम ये बताते हैं कि हम फाइल को सिर्फ रीड करने वाले हैं। इस मोड के अंदर अगर हम फाइल को ओपन करते हैं तो उसके अंदर हम कुछ भी राइट नहीं कर सकते, मतलब कि ये एक सिक्योरिटी का फीचर है। और जो ये मैं फाइल ओपन करूंगा इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेता हूँ, या मैं एक फाइल नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ। ये देखिए, अब इसके बाद मैं इस फाइल को रीड कर सकता हूँ। तो रीड करने के लिए यहाँ पर मेरे को एक फंक्शन लगाना पड़ेगा जिसका नाम है fread। तो उससे पहले मैं यहाँ पर इको लगा लेता हूँ और यहाँ पर जस्ट मेरे को बताना है कि कौन सी वाली फाइल को मेरे को रीड करना है। तो देखिए, हमारी जो फाइल है वो है डॉलर फाइल के अंदर, वो मैंने यहाँ पर लिखा। अब इसके बाद हमारे को यहाँ पर एक सेकेंड पैरामीटर भी देना होता है और वो होता है कि मैं कितनी फाइल को रीड करना चाहता हूँ, मतलब कि उसमें से कितने बाइट्स को रीड करना चाहता हूँ, या आप ये भी सोच सकते हैं कि कितने करेक्टर्स को। देखिए, जैसे मैं यहाँ पर सिर्फ 100 करेक्टर्स को रीड करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 100। अब मैं यहाँ पर आपको फाइल को सेव करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ गया और मैंने फाइल को रिफ्रेश किया, ये देखिए यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 100 करेक्टर्स ही आए हैं, जबकि आप यहाँ पर फाइल देखेंगे तो इस फाइल में काफ़ी सारे करेक्टर्स हैं। तो इसने हमारे को सिर्फ 100 करेक्टर्स दिए हैं। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिर्फ 10 करेक्टर्स तो ये हमारे को सिर्फ 10 करेक्टर्स ही देगा। मैं फाइल को सेव किया, ये देखिए यहाँ पर सिर्फ 10 करेक्टर्स ही आए हैं। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये पूरी की पूरी फाइल निकाल के हमारे को दे दे जितना भी उसके अंदर डाटा है, तो यहाँ पे हम अपना एक फंक्शन यूज करेंगे जिसका नाम है फाइल साइज, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कवर भी कराया था। इस फंक्शन के अंदर हम देते हैं फाइल का नेम। तो हमारी जो फाइल का नेम है वो है readme.txt। ये देखिए, अब ये फंक्शन हमारे को क्या करेगा, ये फंक्शन हमारे को एक तो पूरा साइज निकाल के देगा कि उसके अंदर कितने करेक्टर्स हैं, और वो लेंथ जो हमने इसमें पास कर दी किसमें, fread फंक्शन में। तो इसका मतलब जो है ये हमारे को पूरी फाइल रिटर्न करने वाला है रीड मोड में। तो यहां मैंने फाइल को सेव किया, ये देखिए यहां पर हमारे पास सारी फाइल ओपन हो चुकी है। तो इस तरह मैं किसी भी फाइल को रीड कर सकता हूं। और इसमें स्पेशल बात क्या है कि यहाँ पर हमने एक रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, यहाँ पर हमने इसे सिर्फ रीड मोड में ही खोला है, मतलब कि इस फाइल में कोई भी राइट नहीं कर सकता। अब इसी तरीके का रीड करने का एक दूसरा फंक्शन भी आता है जिसे हम कहते हैं fgets। f का मतलब है फाइल, get s का मतलब है सिंगल लाइन, मतलब कि ये फंक्शन सिर्फ एक ही लाइन को रीड करेगा। तो यहां पर जस्ट मेरे को क्या पास करना है, मेरे को अपनी फाइल का नाम पास करना है जो कि है डॉलर फाइल में। ये देखिए, यहां मैंने फाइल को सेव किया। अब मैं आपको पहले दिखा देता हूँ पहली फाइल में फर्स्ट लाइन कौन सी है। देखिए, ये फर्स्ट लाइन है वो सिर्फ इतनी है, तो ये सिर्फ इसे ही रीड करेगा। मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और ये देखिए, यहाँ पर देखिए इसने सिर्फ पहली ही लाइन को रीड किया है। और अगर मैं यहाँ पे जाके
इस लाइन को एक बार और डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर गया, यहाँ पे इसे पेस्ट कर दिया। तो ये क्या करेगा, फर्स्ट टाइम हमारी फर्स्ट लाइन को रीड करेगा और सेकंड लाइन में सेकंड लाइन को रीड करेगा। ऐसा क्यों करेगा मैं भी आपको बताऊंगा। यहाँ देखिए मैं आ गया और रिफ्रेश किया, ये देखिए यहाँ पर हमारी फर्स्ट लाइन आ गई है, उसके बाद हमारी सेकंड लाइन यहाँ पे आ चुकी है। तो इसने ऐसा क्यों किया मैं आपको बताता हूँ। देखिए जब भी हम फाइल को रीड करते हैं तो हमारा जो फर्स्ट टाइम जो कर्जर होता है वो होता है यहाँ पर, मतलब कि पहली लाइन से पहले, जिसको हम कह सकते हैं पोजीशन जीरो। अब जब हमने यहाँ पर फंक्शन यूज़ किया एफ गेट एस, तो कर्जर जो है उसकी पोजीशन होगी लास्ट में। उसके बाद जब हमने दोबारा से वही फंक्शन यूज़ किया तो उसके बाद कर्जर की पोजीशन आ जाएगी यहाँ पर। मैं आपको दिखाता भी हूँ। देखिए जब मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पर फाइल को रीड किया तब मैं यहाँ पर एक फंक्शन यूज़ करके दिखाता हूँ। वो फंक्शन बेसिकली हमारे को कर्जर की पोजीशन रिटर्न करता है और उसका नाम है एफ टेल। इसके अंदर हम यहाँ पर अपनी फाइल पास करेंगे जो कि है फाइल, ये देखिए। अब सबसे पहले हमारे को फाइल की पहली लाइन रीड होगी, उसके बाद ये हमारे को कर्जर की पोजीशन रिटर्न करेगा। और जैसे ही ये पोजीशन हमारे पास रिटर्न हो जाएगी उसके बाद हम दोबारा से इसी फंक्शन को चलाएंगे जो कि कर्जर की सेकंड लाइन से रीड करना शुरू करेगा। उसके बाद मैंने दोबारा से यहाँ पर एफ टेल लिख दिया जो हमारे को दोबारा से कर्जर की पोजीशन रिटर्न करेगा। यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए फर्स्ट टाइम यहाँ पर जो पोजीशन आई है वो आई है 64। और उसके बाद जब सेकंड फाइल को रीड किया इसने, मतलब कि लाइन को, उसके बाद जो कर्जर की पोजीशन आई है वो आई है 105। तो आपने देखा कि कर्जर से कैसे हम अलग अलग दोबारा दोबारा ये फंक्शन को यूज़ करके अलग अलग लाइंस को रीड कर सकते हैं। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो लास्ट कर्जर की पोजीशन है वो है 105, तो मैं इस पोजीशन को चेंज भी कर सकता हूँ। उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन आता है जिसे हम कहते हैं एफ सीक। मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा इको। इको लिखने की जरूरत नहीं है कि हमारे को कुछ रिटर्न नहीं करता, जस्ट हम इसे कर्जर की पोजीशन ही चेंज करते हैं। इसके अंदर भी हमारे पास दो पैरामीटर होते हैं। सबसे पहला जो पैरामीटर होता है फाइल का नाम जो कि है फाइल, और उसके बाद जिस पोजीशन पे हम इसे लेके जाना चाहते हैं उस पोजीशन का नंबर। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर पास कर दिया 15 और यहाँ पर इस फाइल को बंद किया। यहाँ पर देखिए अब इसके बाद मैं दोबारा से इसी फंक्शन को यूज़ करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर। और इससे पहले मैं यहाँ पर ब्रेक भी लगा लेता हूँ, ये देखिए। और यही वाली ब्रेक मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर भी लगा लेता हूँ, ये देखिए। अब मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और यहाँ के फाइल को रिफ्रेश किया, ये देखिए। अब यहाँ पर क्या हुआ मैं आपको दिखाता हूँ। पहले कर्जर की पोजीशन थी 64, उसके बाद हुई 105, हम इसको वापस से ले गए पोजीशन नंबर 15 पे। तो देखिए यही वाली लाइन जो यहाँ पर आपको दिख रही है कि यहाँ से वर्ड शुरू हो रहा है, ये देखिए आप देख सकते हैं, यही वाली लाइन दोबारा से रिपीट हो चुकी है यहाँ पर, जो आपको ऊपर भी दिख रही है। ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दोबारा से रिपीट हो गई है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने कर्जर की पोजीशन चेंज कर दी, किस फंक्शन से, एफ सीक नाम के फंक्शन से। अब इसके बाद हम अपना नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं जिसका नाम है एफ पास थ्रू। ये फंक्शन बेसिकली करता क्या है, जहाँ पर भी लास्ट टाइम में हमारा कर्जर की पोजीशन होगी वहाँ से लेकर एंड तक, मतलब कि जो फाइल का एंड है वहाँ तक पूरी फाइल को रीड कर लेगा एक ही टाइम में। तो यहाँ देखिए मैं इस वाली लाइन को तो रिमूव कर देता हूँ, दोनों लाइंस को, और यहाँ पर लिखता हूँ इको और अपने फंक्शन का नेम। तो हमारा फंक्शन का नेम है एफ पास थ्रू और इसके अंदर हम यहाँ पर अपनी फाइल पास कर देंगे, ये देखिए। तो देखिए जो हमारी फर्स्ट वाली लाइन है उसका कर्जर जहाँ पर भी ख़त्म हुआ होगा उसके बाद से जितना भी हमारा कॉन्टेंट बचा है उस फाइल में वो सारा कॉन्टेंट ये वाली फंक्शन जो है रीड कर लेगा। तो इससे पहले मैं यहाँ पर ब्रेक भी लगा देता हूँ, ये देखिए। यहाँ मैं एक्चुअल में दो ब्रेक लगा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली पता लग जाए, ये देखिए। यहाँ मैंने फाइल को सेव किया, ये देखिए यहाँ पर ब्रेक तो काम नहीं कर रहा, मगर यहाँ पे देखिए जहाँ पे हमने छोड़ा था 64 पोजीशन पे उसके बाद का जितना भी कंटेंट है वो सारा यहाँ पे आ चुका है और इसको लास्ट पोजीशन भी मिल रही है, आप यहाँ पे देख रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर लास्ट हमने छोड़ा था वो था SEM, SEM के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए SEM यहाँ पे लास्ट करेक्टर था। इसके बाद से जो हमारा फंक्शन है एप पास थ्रू उसने यहाँ से रीड करना शुरू किया और इतना कंटेंट, मतलब कि जहाँ तक फाइल का एंड था वहाँ तक सारा कंटेंट रीड करके हमारे को दे दिया। अब इसके बाद हम अपना नेक्स्ट फंक्शन यूज़ करते हैं जिसका नाम है रिवाइंड। रिवाइंड जो है बिल्कुल एफ सीक फंक्शन की तरह काम करता है, बस उसमें फ़र्क ये है कि उसमें जो कर्जर की पोजीशन चेंज होती है वो दोबारा से जाके स्टार्टिंग में चली जाती है। मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर फंक्शन लिख लिया, एक्चुअल में इसे पहले लिखना पड़ेगा रिवाइंड। रिवाइंड में मैंने पास कर दी अपनी फाइल, ये देखिए। तो देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, हमने इस फंक्शन की हेल्प से
फाइल की जो पहली लाइन रीड की है, जहां पे अभी हमारा कर्जा छूटा है, मतलब कि जहां पर भी 64 पोजीशन दिख रही थी आपको, इस फंक्शन की हेल्प से अब क्या होगा, वो पोजीशन जीरो हो जाएगी, मतलब कि फाइल के स्टार्टिंग में चली जाएगी। और इसके बाद हम दोबारा से अपनी फर्स्ट लाइन को रीड कर लेते हैं। मैं आपको यही फंक्शन यूज करके दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए फर्स्ट लाइन रीड हुई, हमारे पास पोजीशन चेंज होगी 64। और इसके बाद जब मैंने रिवाइंड फंक्शन यूज किया तो कर्सर वापस से फर्स्ट लाइन के, मतलब कि सी से पहले चला गया और उसने दोबारा से फर्स्ट लाइन रीड कर ली। तो रिवाइंड फंक्शन का सिर्फ इतना ही काम होता है, जहां पर भी हमने पोजीशन लास्ट छोड़ी है वो स्टार्टिंग में चली जाती है, मतलब कि यहां पर। अब इसके बाद हम अपना फंक्शन देखते हैं जिसका नाम है FEOF। मैं ये सारा कंटेंट रिमूव कर देता हूं और ये कंटेंट भी। हम अपना फंक्शन यूज करेंगे जिसका नाम है FEOF, जिसका मतलब है फाइल एंड ऑफ फाइल। ये फंक्शन जो है बेसिकली व्हाइल लूप में यूज होता है। तो देखिए यहां पर अभी हमने जो फाइल ओपन की है वो रीड मोड में ओपन की है, आप यहां पे देख रहे हैं मोड जो है रीड है। अब मैं जो फाइल को रीड करना चाहता हूं, देखिए मैं एक एक करके लाइन को रीड करना चाहता हूं। पहले मैं इस वाली लाइन को रीड करना चाहता हूं, फिर उसके बाद ये वाली लाइन को, उसके बाद ये वाली लाइन को, मतलब कि बारी बारी हर लाइन को रीड करना चाहता हूं। तो उसके लिए मैं यहां पर अपना व्हाइल लूप यूज करूंगा और व्हाइल लूप के अंदर अपना फंक्शन यूज करूंगा जिसका नाम है FEOF, मतलब कि फाइल एंड ऑफ फाइल। तो यहां पर मैंने अपना व्हाइल लूप यूज किया और यहां पे मैं लगाऊंगा नॉट ऑपरेटर और यहां पे अपना फंक्शन यूज करूंगा, ये देखिए। और इसके अंदर अपनी फाइल पास कर देता हूं जिसको मैं रीड करना चाहता हूं, ये देखिए। अब मैंने यहां पर व्हाइल लूप के अंदर लिखा क्या है उसके बारे में थोड़ा सा समझा देता हूं। मैंने लिखा है जब तक फाइल का एंड नहीं आ जाता, फाइल एंड ऑफ फाइल, मतलब ये फंक्शन कहां तक जाएगा, जब तक फाइल का इसे एंड नहीं मिल जाता तब तक ये लूप चले। उसके बाद मैं यहां पे क्या करता हूं, एक वेरिएबल ले लेता हूं जैसे लाइन करके, क्योंकि मैं हर बार लूप के अंदर लाइन को रीड करना चाहता हूं। तो यहां मैं अपना वही फंक्शन यूज करूंगा fgets और इसके अंदर अपनी फाइल पास कर देता हूं, ये देखिए। और जब भी मेरी फाइल रीड हो जाए उसको मैं यहां पर इको करूंगा अपने वेरिएबल को जिसके अंदर है लाइन, और हर लाइन के बाद मैं यहां पर ब्रेक भी लगा देता हूं, ये देखिए। तो तब तक हमारा लूप चलेगा जब तक इसे एंड ऑफ द फाइल नहीं मिल जाती, और हर बार ये लाइन को रीड करेगा हमारे इस वाले फंक्शन से, उसके बाद ये इसको इको करता जाएगा और उसके साथ ब्रेक भी लगाता रहेगा। तो यहां मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहां पर हमारी फर्स्ट लाइन आ गई, फिर सेकंड लाइन आ चुकी है, फिर थर्ड लाइन आ चुकी है, आप देख रहे हैं फोर्थ लाइन, इसी तरह फिफ्थ लाइन। अब इसका फायदा क्या हुआ, हम इस तरह अगर लाइन को यहां पर प्रिंट कर रहे हैं तो इसको हम किसी एचटीएमएल के टैग के अंदर भी डाल सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं इसे ULI के अंदर डालना चाहता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ करके। मैं यहाँ पर इको कर लेता हूँ और यहाँ पर स्टार्टिंग कर लेता हूँ अपनी अनऑर्डर लिस्ट टैग की, ये देखिए। और इसी तरह इसको लूप के बाद मैं यहाँ पर क्लोज भी कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर मैंने क्लोजिंग टैग कर दिया। अब जहाँ पर मैं इसे रीड कर रहा हूँ यहाँ पर मैं अपना LI टैग ले लेता हूँ, मतलब कि लिस्ट आइटम टैग, ये देखिए यहाँ पर मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, ये देखिए। तो अब जब भी लूप चलेगा तो ये क्या करेगा, ये हर बार एक नई फाइल को रीड करेगा, मतलब कि हर लाइन को रीड करेगा और उसको LI के अंदर डालता रहेगा। यहां मैंने फाइल को सेव किया, ये देखिए जो हमारे पास फाइल थी readme.txt उसकी हर लाइन को इसने रीड किया और यहां पर हर बार LI टैग के अंदर डाल लिया, ये देखिए लास्ट में खाली टैग आ रहा है, आप देख रहे हैं यहां पर। इसका मतलब है हमने वहां पर स्पेस भी ऐड की हुई है, मतलब कि यहां कहीं पर। मैं इसको रिमूव कर देता हूं, मैंने रिमूव कर दिया, फाइल को सेव किया, अभी भी आ रहा है, मतलब कि वो स्पेस ले रहा है। तो आपने देखा कि कैसे हम व्हाइल लूप का यूज करके और इस फंक्शन के साथ हर लाइन को रीड कर सकते हैं, हम हर करेक्टर को भी रीड कर सकते हैं। उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन आता है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो मैं ये जो मैंने कोड किया है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब इसके बाद मैं यहाँ पर अपना फंक्शन यूज करूंगा जिसका नाम है fgetc। उससे पहले मैं यहाँ पर इको लगा लेता हूँ, ये देखिए ये फंक्शन क्या करता है, ये हर बार जब भी हम इसे कॉल करेंगे ये एक बारी में एक ही करेक्टर रीड करेगा फाइल में से। देखिए मैंने जैसे यहां पर अपनी फाइल पास कर दी, अब मैं जब इस फाइल को रन करूंगा मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर जो इसका पहला करेक्टर है मतलब कि सी, सिर्फ इसी को ही रीड करेगा, ये देखिए यहां पर आ गया सी, सिर्फ इसने एक ही करेक्टर रीड किया। अगर मैं इस फंक्शन को दोबारा से कॉल करता हूं, ये देखिए मैं इस लाइन को डुप्लीकेट कर लेता हूं, यहां मैंने अब दो बार फाइल को रीड किया, अब मैं आपको दिखाता हूं ये क्या रिटर्न करेगा। तो देखिए यहां पर आ गया सी यू, जब हमने फर्स्ट टाइम इसको कॉल किया तो इसने सिर्फ पहला करेक्टर रीड किया, उसके बाद जो कर्जर है वो यहां पर आ चुका था, उसके बाद जो करेक्टर था वो था यू। तो जब हमने दोबारा इस फंक्शन को यूज किया fgetc को, तो इसने रिटर्न किया यू।
तो इसका मतलब जितनी बार भी मैं इसे कॉल करूंगा उतनी बार कर्जर भी आगे मूव होता रहेगा और वो नया करेक्टर रिटर्न करता रहेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं CUR, अब ये R रिटर्न करेगा, ये देखिए। तो इस फंक्शन का फायदा तब है अगर हम इस वाली फाइल के अंदर कुछ फाइंड कर रहे हो या कुछ मैच कर रहे हो। अब इसके बाद हम अपना नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं जिसका नाम है फाइल। फाइल के अंदर बेसिकली हम अपनी फाइल का नाम पास करते हैं और उसके लिए हमारे को किसी ओपन मोड की जरूरत नहीं होती। जैसे हमने ये यूज किया है एफ ओपन, हम सीधा ही फाइल का नाम दे सकते हैं। तो हमारी फाइल का नेम जो है वो बेसिकली है readme.txt, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब ये फंक्शन बेसिकली हमारे को देता क्या है, इसके अंदर जितनी भी लाइंस होंगी उसको एरे में कन्वर्ट कर देगा और इसको हम सीधा से प्रिंट नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैं यहाँ पर प्रिंटर फंक्शन ले लेता हूँ, ये देखिए। तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया, ये देखिए इसने हमारे को एक एरे रिटर्न कर दिया। आप देख रहे हैं इंडेक्स एरे है। मैं इसकी फॉर्मेटिंग को सही करके दिखाता हूँ आपको प्री टैग के अंदर डाल के, और यहाँ पर इसको क्लोज कर देता हूँ। ये देखिए मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए हमारे पास जितनी भी उस फाइल के अंदर लाइन थी, मतलब कि readme.txt के अंदर, उसको इसने एरे में कन्वर्ट कर दिया। आप देख रहे हैं ये इंडेक्स एरे बन चुका है, 0, 1, 2, 3, 4, ये पूरी प्रॉपर लाइंस है। तो ये इस फंक्शन का काम होता है। अगर हम इसको भी ULLI टैग के अंदर प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम अपना फॉरिच लूप यूज कर सकते हैं। तो ये थे सारे तरीके जो हम फाइल को रीड करने के लिए करते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हम फाइल को राइट कैसे कर सकते हैं। तो देखिए उसके लिए मेरे को यहां पर मोड चेंज करना होगा सबसे पहले। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि हमारे पास एफ ओपन के अंदर कौन कौन से मोड्स आते हैं। ये देखिए यहां पर हमारे पास डिफरेंट अलग अलग तरीके के मोड्स हैं और उनकी यहां पर मीनिंग भी लिखे हुए हैं। सबसे पहला जो मोड था वो था आर। आर का मतलब सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, उसमें राइट कुछ नहीं कर सकते। एक आता R+, इसमें हम रीड और राइट दोनों कर सकते हैं, मगर जब भी हम राइट करेंगे तो राइट जो डाटा होगा वो सबसे पहले जाके लग जाएगा, मतलब कि यहां पे लिखा है बिगनिंग ऑफ द फाइल। इसी तरह W है जिसमें हम सिर्फ राइट कर सकते हैं, रीड नहीं कर सकते, और राइट प्लस में हम यहाँ पे रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। अब ये दोनों फंक्शन हमारे को एक फंक्शनैलिटी और देते हैं, अगर हमारे पास जो हम जिस फाइल के अंदर रीड करना चाह रहे हैं अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी तो ये वो फाइल को बना देंगे, मतलब कि उस फाइल को क्रिएट कर देंगे। और इसके बाद जो हमारे पास फंक्शन आता है वो है ए और A+। ए में क्या होता है, हम सिर्फ राइट कर सकते हैं और A+ में रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर इसी का यूज़ करता हूँ। इसका फायदा क्या होता है, ये जो भी हम कंटेंट इसमें राइट करने जा रहे हैं वो सबसे लास्ट में जाके लगाता है और पुराने कंटेंट को उड़ाता भी नहीं है। जबकि हम यहाँ पर R+ को अगर यूज़ करते हैं या W+ को तो वो पुराने कंटेंट को डिलीट करता है। मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे मोड है X, X+, C और C+। ये भी कुछ R और W की तरह ही काम करते हैं, आप इसको यूज़ करके देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए अब मैं अपने मोड को जो चेंज कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ R+ में, क्योंकि R+ हमारे को ये फैसिलिटी देता है कि हम उसमें राइट भी कर सकते हैं। तो अब हम राइट करने के लिए जो अपनी कमांड यूज़ करेंगे उसका नाम है FWrite। FWrite के अंदर हमारे पास बेसिकली दो पैरामीटर आते हैं। पहला वो पैरामीटर होता है जिस फाइल के अंदर हमने यहाँ पर कुछ राइट करना है, तो हम जो राइट करना चाहते हैं वो फाइल नाम का हमारे पास वेरिएबल है, उसके अंदर हमारी फाइल स्टोर है। और उसके बाद जो हम कंटेंट डालना चाहते हैं वो हम एज ए सेकेंड पैरामीटर देते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक नई लाइन, हेयर इज न्यू लाइन, ये देखिए यहाँ पर एक मैंने एक नई लाइन लगा ली है। अब ये फंक्शन करेगा क्या, बेसिकली ये फंक्शन राइट करेगा ये नई वाली लाइन और जो पुराना कंटेंट है वो भी पड़ा रहेगा, मगर हमने यहाँ पर लगाया R+। तो R+ में हमें फैसिलिटी तो मिलती है राइट करने की, मगर एक नुकसान भी होता है। वो ये होता है कि ये यहाँ पर ये जो फर्स्ट लाइन आ रही होगी इसको ये ओवरराइट कर देगा। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं गया, मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर फाइल को रिफ्रेश किया, तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा। मैं अभी आपको फाइल को ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए हमारे पास यहाँ पर जो हमने लाइन लिखी थी वो यहां तक आ चुकी है, मगर यहां पर इससे पहले कुछ और भी वर्ड्स लिखे होते उसको इसने रिमूव कर दिया। तो R+ का मतलब आप यहां पे समझ गए होंगे कि ये क्या करता है, राइट तो करता है मगर जो यहां पर फाइल की बिगनिंग है उसमें यहां पर अपनी कंटेंट नया ऐड कर देता है और पुराने वाले को उड़ा देता है। अब मैं क्या करता हूं, यहां तक अपना कंटेंट जो है रिमूव कर देता हूं और यहां पर आपको नया मोड यूज करके दिखाता हूं जिसका नाम है W+। ये देखिए अब W+ क्या करेगा, हमारी जो इस वाली फाइल के अंदर जितना भी कंटेंट है उस सबको रिमूव कर देगा और ये नया कंटेंट ले आएगा। यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ कल फाइल को रिफ्रेश किया, उसके बाद मैं गया अपने रीड मई फाइल में, ये देखिए यहाँ देखिए पुराना कंटेंट सारा रिमूव हो चुका है, उसके बाद ये नया कंटेंट आ गया।
तो इसका फायदा तभी है W प्लस का अगर आप पुराने कंटेंट को रिमूव करना चाहते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये सारा कंटेंट तो रिमूव करके पुराना कंटेंट ले आता हूँ। मैंने उसे कॉपी किया होता, यहाँ पे देखिए मैंने इसे पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद मैं आपको नया मोड यूज़ करके दिखाता हूँ जो काफ़ी यूज़फुल है। मैंने आपको बताया मैं इसी को यूज़ करता हूँ, इसका नाम है ए प्लस। अब ए क्या करता है, इसका मतलब होता है अपेंड। तो ये क्या करेगा, ये जितना भी हमारे पास ऊपर कंटेंट आ रहा है इसको नहीं छेड़ेगा, जहां पर भी हमारा कर्सर लास्ट वाला खत्म हो रहा होगा मतलब कि एंड ऑफ द फाइल हो रहा होगा, वहां पर ये हमारा नया कंटेंट ऐड कर देगा। तो मैं आपको इसके लिए यहां पर हेयर से पहले यहां पर स्लैश एन लगा देता हूं, इसका मतलब होता है एंटर। तो ये एक नई लाइन पे जाके वहां पर ये न्यू लाइन क्रिएट कर देगा। यहां मैंने फाइल को सेव किया, तो यहां मैंने फाइल को रिफ्रेश किया और वापस आया। ये देखिए यहाँ पर ऊपर का कंटेंट वैसी रहा, इसके बाद यहाँ पे हमने एंटर लगाया था वो एंटर आ गया, उसके बाद यहाँ पे हमारी नई लाइन यहाँ पे ऐड हो चुकी है। तो ये थे हमारा एफ राइट फंक्शन। इसके बाकी की जितने भी मोड्स हैं वो आप खुद ट्राई करके देख सकते हैं, वो बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं। जो ज़्यादातर यूज़ होते थे वो सारे मैंने आपको यहाँ पर यूज़ करके दिखा दिए। यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे हमने ये फंक्शन यूज़ किया है एफ राइट, इसी तरीके से हमारे पास एक दूसरा फंक्शन भी आता है, उसका नाम है एफ पुट्स। ये देखिए ये भी बिल्कुल वही काम करता है जो हमारा एफ राइट फंक्शन काम करता है। इसमें और उसमें सिर्फ नाम का ही डिफरेंस है, फंक्शनैलिटी बिल्कुल सेम है। अब इसके बाद मैं आपको एक फंक्शन दिखाता हूँ जिसका नाम है एफ ट्रंकेट। एफ ट्रंकेट बेसिकली करता क्या है, ये हमारे कंटेंट में से जितना कंटेंट हम इसे बताएंगे उतना ही कंटेंट रखेगा, बाकी सबको रिमूव कर देगा मतलब कि उसको ट्रंकेट कर देगा। तो यहाँ मैंने लिखा एफ ट्रंकेट और इसके अंदर बेसिकली हमारे को दो पैरामीटर देने होते हैं। सबसे पहले जिस फाइल के अंदर हम चेंज करना चाहते हैं, तो हमारी फाइल जो है वो है डॉलर फाइल। उसके बाद मैं इसके अंदर कितना कंटेंट रखना चाहता हूँ मतलब कि कितने करेक्टर्स का, या बाइट भी सोच सकते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 100। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर जितने भी 100 करेक्टर्स आ रहे होंगे मतलब कि इस लाइन में सिर्फ उतने ही रखेगा। मान लीजिए 100 करेक्टर्स जो हैं वो यहाँ तक हैं, इससे पहले तक, तो इतना कंटेंट रखेगा। इसके बाद का जितना भी कंटेंट आ रहा है मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको ये रिमूव कर देगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और यहाँ पर फाइल को रिफ्रेश करके मैं वापस आया। ये देखिए यहाँ पर सिर्फ 100 करेक्टर्स ही रह चुके हैं, उसके बाद का जितना भी डाटा था वो रिमूव हो चुका है। मैं आपको चेंज भी करके दिखाता हूँ, देखिए अब मैं यहाँ पर रख लेता हूँ सिर्फ 50 रख लेता हूँ। ये देखिए मैं वापस आया और मैंने फाइल को ओपन किया, ये देखिए अब सिर्फ 50 करेक्टर्स ही रह चुके हैं। तो ट्रंकेट क्या कर रहा है, बेसिकली हम जितनी भी इसे लेंथ बता रहे हैं सिर्फ उतने ही करेक्टर्स रख रहा है, उसके बाद का जितना भी डाटा है उसको रिमूव करता जा रहा है। अब इसके लास्ट में जो हमारा लास्ट फंक्शन है उसका नाम है एफ क्लोज। देखिए हम जब भी कोई भी काम करते हैं मतलब कि एफ रीड कर रहे हैं, चाहे एफ ओपन कर रहे हैं, चाहे जितने भी हमने इस फाइल में फंक्शन देखे हैं, जब भी हमारा काम उसके अंदर खत्म हो जाता है तो हम उस फाइल को क्लोज कर देते हैं। ये क्लोज करना भी जरूरी होता है एज ए सिक्योरिटी पर्पस। देखिए उसके लिए हमें जस्ट यहाँ पे लिखना है एफ क्लोज। एफ क्लोज के अंदर हमारे पास यहाँ पर फाइल का नेम आता है जिसको हम क्लोज करना चाहते हैं। तो हमारी फाइल का नेम है वो है फाइल, ये देखिए। तो जो भी आपने काम करना है, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था एफ राइट, एफ रीड या एफ गेट एस, एफ गेट सी, उसके बाद यहाँ पर आपको फाइल को क्लोज जरूर करना चाहिए। तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ फाइल को रिफ्रेश किया, तो देखिए कुछ एरर नहीं है, प्रॉपर है सब कुछ। बस यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर लास्ट में फाइल क्लोज हो चुकी है और जो हमारा वर्किंग है वो तो प्रॉपर चल ही रही है, देखिए। तो ये थे सारे फंक्शन जो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं, जिसमें हमने देखा कि फाइल को हम रीड कैसे कर सकते हैं या उसके अंदर राइट कैसे कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में भी हम फाइल सिस्टम के कुछ फंक्शन सीखने वाले हैं, जिसके अंदर हम ये सीखेंगे बेसिकली कि हम फाइल की परमिशंस को कैसे चेंज कर सकते हैं, मतलब कि रीड को राइट सिर्फ कैसे रख सकते हैं या राइट को रीड कैसे कर सकते हैं सिर्फ। तो वो वीडियो देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।